दोस्तों, गगन बॉर्डर के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में जॉब करते करते मैं गगनगिरी महाराज जी से, परम पूज्य गगनगिरी महाराज जी से कब मेरा मन जुड़ गया मुझे भी पता नहीं चला। महाराष्ट्र के अनेक शहरों में उनका आश्रम स्थित है। दोस्तों, आज मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं परम पूज्य गगनगिरी महाराज जी के ऊपर एक एल्बम, संगीत एल्बम पेश करने जा रहा हूँ। इस दत्त जयंती के शुभ अवसर पर मेरा यह एल्बम रिलीज हो रहा है। दोस्तों, यह एल्बम करते करते मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। इस एल्बम का कोरस भी मैंने अच्छा किया है। कोरस के लिए मेरे स्टूडेंट ही लेना मैंने उचित समझा, क्योंकि उस स्टूडेंट को गाने का अनुभव था, लेकिन उनको रिकॉर्डिंग का अनुभव देने के लिए मैंने उनको चुना। और उन्होंने भी बहुत मेहनत की इस कोरस के रिकॉर्डिंग में। 1, 2, 3, स्टार्ट। कोरस रिकॉर्डिंग के वक्त सबसे जरूरी बात है कि सबकी आवाज एक जैसी हो, यानी सबकी आवाज की वॉल्यूम और पिच एक जैसा हो। कई कई बार इसी वजह से कोरस बिगड़ जाता है। और सबसे जरूरी बात दोस्तों, आपका पिच सही है, आपकी वॉइस सही है, आपका आवाज बहुत ही अच्छा लग रहा है, लेकिन जो उसमें फीलिंग नहीं होना तो बात बन नहीं सकती दोस्तों। चेहरा वाला एक्सप्रेशन का दोस्तों, इस रिकॉर्डिंग के वक्त मुझे बहुत ही नया अनुभव आया, क्योंकि मेरे जो स्टूडेंट्स थे वो बिल्कुल ही इस रिकॉर्डिंग के लिए नए थे, यानी उनको पहले रिकॉर्डिंग का कुछ भी अनुभव नहीं था। उनको मैनेज करना, उनको उनको सिखाना, क्लिक का बैलेंस समझाना, उनको माइक का सेंस समझाना, ये सब कुछ मुझे बहुत टफ गया। लेकिन मेरा सौभाग्य है दोस्तों, ये जो कोरस है था वो बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड हुआ है। और इस दत्त जयंती के शुभ अवसर पर हम ये एल्बम रिलीज करने जा रहे हैं। आप जरूर उस एल्बम का आनंद लीजिए दोस्तों। 1, 2, 3, स्टार्ट। सो दोस्तों, मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सबसे जरूरी बात, इस 3 तारीख को मेरा एल्बम रिलीज होने जा रहा है। ये गीत आपको बहुत ही आनंद देगा, ये मेरा दावा है। तब तक के लिए दोस्तों, गुड बाय।